हाय दोस्तों, वेलकम टू एस एजुकेशनल वर्ल्ड अरशद सर के साथ। पार्ट 5 में एमएस डॉस के अंदर आज हम लोग सीखेंगे डॉस की कमांड के बारे में, इको कमांड के बारे में और प्रॉम्प्ट कमांड के बारे में, बिल्कुल हिंदी में। सो लेट्स गो स्टार्ट नाउ दोस्तों। डॉस की जो माइक्रो फाइल, इट क्रिएट ए शॉर्टकट की। शॉर्टकट की का मतलब क्या है? डॉस की के थ्रू किसी भी सिंगल कमांड का हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट बना सकते हैं। जैसे डॉस की स्पेस कमांड का नाम डालना है, यहाँ पे फिर से यहाँ पर डॉस के लिखा है स्पेस या डी इक्वल टू डेट। डेट का हम लोग शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, डी इक्वल टू डेट लिखना पड़ेगा। जैसे इसको लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, डी इंटर, डी लिखकर सी प्रॉम्प्ट के बाद क्या लिखना है हमको, डी इंटर। जैसे करेंगे यहाँ पर डेट का फॉर्मेट आ जाएगा। उसके बाद डॉस की मुझे सी एल एस का बनाना है। सी एल एस कैसे बनाएगा, डॉस की स्पेस सी इक्वल टू सी एल एस इंटर। जैसे प्रेस करेंगे हमारा बन चुका है, उसको लाने के लिए हम क्या करते हैं, सी इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा क्या होगा, स्क्रीन साफ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, डॉस की स्पेस इक्वल टू एग्जिट। जैसे इंटर प्रेस करेंगे, ई प्रेस, ई प्रेस करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये पूरा एग्जिट हो जाएगा डॉस। आइए करके दिखाते हैं कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पे डॉस को ओपन कर लेना है, यहाँ पे इस तरह से। जैसे मैंने ओपन किया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद डॉस की लिखेंगे, डॉस की स्पेस इक्वल टू डी इक्वल टू डेट इंटर, डी इंटर, ठीक है। इस तरह से हमने डाल दिया यहाँ पे डेट, डॉस की लिखा मैंने, डी इक्वल टू डेट लिखा, डी पेस्ट करने के बाद हमारा डेस्क डेट का फॉर्मेट आ गया। इस तरह हमें दूसरा का फॉर्मेट आ जाएगा इस तरह से, देखिए। फिर से इंटर पेस किया, टी इक्वल टू टाइम, यहाँ पे डॉस की लिखना पड़ेगा, डॉस की स्पेस टी इक्वल टू टाइम। जैसे इंटर किया, टी लिखा मैंने, यहाँ पे टाइम का फॉर्मेट आ जाएगा। किसी भी कमांड का हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद हम, मैंने सी एल एस बताया था, सी डॉस की सी इक्वल टू सी एल एस। जैसे इंटर मैंने प्रेस किया यहाँ पे, ये हमारा बन चुका है। सी जैसे प्रेस करेंगे हमारा ये क्लीन हो जाएगा। इस तरह एग्जिट, एग्जिट कैसे बनाएंगे, डॉस की इक्वल टू एग्जिट बन गया इस तरह से। जैसे ही प्रेस करें हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा डॉस हमारा। समझ में आ गया अगर डॉस की कैसे यूज करते हैं। आइए अब आपको नेक्स्ट कमांड के बारे में बताता हूँ, इको कमांड। इको कमांड क्या करता है मैं दिखा देता हूँ आपको। दिस कमांड यू रिमूव द कमांड प्रॉम्प्ट फ्रॉम द स्क्रीन, स्क्रीन को रिमूव। इको कमांड, दिस कमांड रिमूव द कमांड प्रॉम्प्ट फ्रॉम द स्क्रीन, मतलब कि कैसे हम लोग सी प्रॉम्प्ट को हटाने के लिए इको कमांड का यूज करते हैं। तो इको लिखेंगे, स्पेस डालेंगे, ऑफ लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, हमारा सी प्रॉम्प्ट का ये फॉर्मेट हट जाएगा, ठीक है। इको ऑन करने के लिए कहते हैं, दिस कमांड ब्रिंग द बैक द कमांड फ्रॉम द स्क्रीन, बोलता फिर से लाना चाहते तो इको स्पेस ऑन लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, हमारा ये फिर से आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक और कमांड है यहाँ पे, प्रॉम्प्ट कमांड। दिस कमांड यूज टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ सी प्रॉम्प्ट कमांड डॉस करने स्क्रीन, यानी कि सी प्रॉम्प्ट को यहाँ पे हटाने के लिए, यहाँ पे प्रोसेसिंग को लाने के लिए। तो आइए करके दिखाता हूँ दोस्तों कैसे होता है। अब इको कमांड कैसे यूज करना है, तो यहाँ पे इको टाइप करना है ऑफ, जैसे इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे सी एल एस करेंगे तो ये हमारा मिट चुका है, देख रहे हैं यहाँ पे हट गया यहाँ पे सिप्रम। फिर से लाना चाहते हैं तो इको यहाँ पे लिखना है, स्पेस ओ एन लिखना है, फिर से आ जाएगा। हटाना चाहते हैं तो इको ऑफ इंटर, ये हट गया। हटाने के लिए यहाँ सी एल एस प्रेस करना पड़ता है, इंटर फिर हट गया। लाना चाहते हैं तो इको ओ एन, फिर से आ जाएगा। समझ में आ गया इको ऑन ऑफ करने के लिए। अब आइए यहाँ प्रॉम्प्ट, हेल्प प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखना है, हेल्प प्रॉम्प्ट लिखना है। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे आ चुके हैं इसको लाने के लिए। इंटर प्रेस करेंगे, अब इसका कोड का यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल यहाँ प्रॉम्प्ट लिखते हैं, स्पेस नाम दे दिया, एस एस एजुकेशनल वर्ल्ड दे दिया। जैसे यहाँ पे इंटर प्रेस किया, हमारा चेंज हो गया यहाँ पे नाम, देख रहे हैं। अब जितना भी होगा यहाँ पे सी एल एस काम होगा, ये एजुकेशनल के नाम से यहाँ चाहिए। फिर से लाना चाहते हैं तो फिर से लिखना पड़ेगा प्रॉम्प्ट इंटर, इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर इसका एक अगर क्लियर करना चाहते हैं तो हेल्प प्रॉम्प्ट लिखिएगा और वन वन यहाँ क्लियर कर लीजिएगा। ये सब ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसको यूज करके आप लोग यहाँ पे क्या करके इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे लाइन लेस देन कैसे होता है, ये कैसे होता है, इसको कर लीजिए इस तरह से। यहाँ पे आपको कर लेना है, इसको प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे लाना है, हटाना है तो फिर से यहाँ प्रॉम्प्ट लिखिएगा, यहाँ पे राज, तो राज के नाम से आ जाएगा, देख रहे हैं। यहाँ सीरियस कीजिएगा तो राज के नाम से बना हुआ,
फिर से हटाना चाहते हैं प्रॉम्प्ट लिखिए यहाँ पे और इंटर प्रेस कर दीजिए, फिर से ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको, डॉस्की कमांड, इको कमांड एंड प्रॉम्प्ट कमांड। ठीक है दोस्तों, इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएँ ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, डेट्स ऑल, थैंक यू।